स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है प्रोडक्टिव थर्सडे और आज हम जा रहे हैं इको काली ऑर्गेनाइजेशन में। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बड़ा सा बैग है। तो इको काली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट मैनेजमेंट से डील करता है। तो हमारे बिल्डिंग की जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो सारे रैपर्स जो होते हैं, जो हमें यू नो स्नैक्स पैकेट्स या कोई भी अंदर फॉइल वाला जो रैपर्स होता है उसको कलेक्ट किया है और आज हम उसे वहाँ डिपॉजिट करने जा रहे हैं। इको काली इस तरह के वेस्ट से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आगे आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए, और इस नोबल कॉज में मेरा साथ दिया है मेरी फ्रेंड आरती ने, तो मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देश भर में इन दिनों प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने और बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए प्रदूषण पर कंट्रोल करने की पहल की जा रही है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो बेकार चीज़ों का बेहतर तरीके से निस्तारण कर सकते हैं और पर्यावरण में अहम योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक जल, पृथ्वी और वायु को प्रदूषित करती है, जिसका असर इंसान और जीव जंतुओं पर पड़ता है। प्लास्टिक को पूरी तरह गलने में कई सौ साल लग जाते हैं, इसलिए यह ज़्यादा खतरनाक है। तो हम पहुंच गए हैं इको काली संस्थान। ये पुणे पिंपरी से करीब 20 किलोमीटर दूर वारजे एक जगह है, वहाँ पे इनका ये ऑफिस है और वहाँ पे वो इस तरह के वेस्ट कलेक्ट करके उन्हें बहुत ही सुंदर और उपयोगी रूप देते हैं। तो आप अपने सोसाइटी में भी इस तरह का काम कर सकते हैं। और इस तरह का जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये अलग ही तरह का एक संतुष्टि देती है आपको और एक खुशी भी देती है कि आपने धरती माता के लिए कुछ योगदान अपनी तरफ से किया है। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ को निरंतर बढ़ावा देना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। और अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं तो फिर आपको किसी कुमारी या यू नो बाबा या गुरु या किसी फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे बिल्डिंग का कलेक्शन पूरा रैपर्स है इसमें, और ये इको काली का ऑफिस है जहाँ हम आए इसको लेके। तो चलते हैं आगे। इन्होंने अभी अभी शिफ्ट किया है इस जगह पे, तो इनका बैनर नहीं लगा है। और ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक को किस तरह से स्ट्रिप्स में काटते हैं ये लोग और फिर इसको मैन्युअली प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा जाता है आर्टिशंस का। और ये जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं इस तरह के, इनका भी ये लोग यूज़ करते हैं। और आप कॉर्नर में देख सकते हैं उस कार्टन बॉक्स के पास जो पड़ा हुआ है, वो जो पुराने ज़माने का ऑडियो कैसेट्स रोल होते थे प्लास्टिक का, उसका भी ये लोग यूज़ करते हैं और इस तरीके से प्लास्टिक को स्ट्रिप्स में काट के बहुत सुंदर सुंदर चीज़ बनाते हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और ये इनके तरह तरह के बैग्स हैं जो कि वेस्ट से ही बना हुआ है। देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और इसके अलग अलग डिज़ाइंस हैं इनके पास और पैटर्न्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये जो बना है ये कॉक डस्ट से बना है ये वॉलेट। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा है और कितना सुंदर लग रहा है। और इनके पास बड़े बड़े बैग्स भी हैं, स्लिंग बैग्स भी हैं इस तरह के। और इतना चमकदार है ये कि लगता है कि ये किसी सीप वगैरह से बना हुआ है। बहुत ही चमकता है ये। नहीं मिलेगा।
और जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ये लोग, ये तो काबिले तारीफ है। इतना सुंदर कॉम्बिनेशन, और ये कुशन कवर है एंड इट इज़ सो ईजिली वॉशेबल, चूँकि ये प्लास्टिक का है। तो पहले जब किसी ने ये मैसेज डाला था ग्रुप पे, तो मैंने कहा कि मैसेज डालना ही काफ़ी नहीं है, उस पर हम काम करते हैं। तो हमने बिल्डिंग में कलेक्शन शुरू किया, और जब मैंने ये बात पूछी बिल्डिंग में, तो कंसेंट तो बहुत लोगों का आया, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो रिस्पांस था वो 50% भी नहीं था। लेकिन इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रुप लेवल पे ना सही, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप इस तरह के अपने घर के रैपर्स को 2-3 महीने का कलेक्ट करके एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।